नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट। दोस्तों, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी प्लस पे। मेरे लाइव बैचेस और पेड बैचेस जो आप अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेसिक एंड पूरे कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो लेटेस्ट कोर्स है 17 जून से स्टार्ट होने जा रहा है ऑन अनअकैडमी प्लस। ओके, इसका टाइमिंग जो रहेगा वो आपको कल या परसों तक अपडेट भी मिल जाएगा उसका, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा अनअकैडमी पे अगर आप करना चाहते हैं। तो मेरा जो रेफरल कोड है वो लोकेश है, इट विल गिव यू स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ओके, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में दोस्तों, लेक्चर नंबर 11। अभी तक हम इस सीरीज में 10 लेक्चर ले चुके हैं, तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज भी मैं एक अच्छा DI मेंस लेवल का DI आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मज़ा आएगा आपको उसको सॉल्व करके, लॉजिकल भी है, तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू आंसर इट। ओके, तीन पाई चार्ट है, उनका मिक्सचर है इस क्वेश्चन के अंदर, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करके। तो मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन ला रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि आपके तीन पाई चार्ट्स दिए गए और ये पाई चार्ट जो है किसी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा है। ठीक है, दिस शोज द कंपनीज एम्प्लॉयज डेटा और ये तीनों पाई चार्ट उसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एम्प्लॉयज कितने कंपनी में, 1800 है। ओके, अब ये कह रहा है जो पहला पाई चार्ट है ये डिग्री में है और बाकी पाई चार्ट परसेंटेजेस में है। तो गिवन है, ये तो दिख ही रहा है, ये डिग्री में है और ये परसेंटेजेस में है। अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। देखिए, टोटल एम्प्लॉय 1800 है, जो डिग्री वाला है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, टोटल एम्प्लॉय जो है 1800 है और आपका जो डिग्री का ओवरऑल वैल्यू होता है वो 360 होता है। अगर मैं 1800 को 360 से डिवाइड करता हूँ तो ये आपको कॉमन फैक्टर देती है 5। तो यानी अगर मैं किसी भी नंबर को 5 गुना कर दूंगा, आई विल गेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये आपके डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो यानी अगर आपको करना क्या है, सीधा 5 से मल्टीप्लाई करना, और ये सारे तो मल्टीप्लाई परसेंटेज में ही है, तो इसमें कन्वर्जन इतना बड़ा गेम नहीं है। ये जो दूसरा ग्राफ है ये बटा हुआ एज ग्रुप से, 18 से 21, 22 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40 और मोर देन 40 ईयर्स। गॉट इट, ये पूरा ग्राफ इनके बारे में है, एज वाइज एम्प्लॉयज की कितनी एज है, एज ग्रुप क्या है उसके हिसाब से दिया गया है। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयज, तो जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सबका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है वो दिया गया है। आर यू ओके विद दिस? इसमें दिए गए 12th है, BSc है, BCom है, BA है, इंजीनियरिंग है, MBA एंड डिप्लोमा है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन, आई होप डेटा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है, इफ क्वालिफिकेशन ऑफ वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इज MBA, यानी अगर आपको HR में काम करना है तो आपको MBA होना ही होगा। ठीक है, सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ MBAs हु आर वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट HR। तो आपको ऐसे MBA का परसेंटेज बताना है MBA में ही जो अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अदर देन HR। देखिए, यानी इसका मतलब समझते हो आप, इसका कहने का मतलब ये है, HR में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे सब MBA होंगे ही होंगे, क्योंकि HR में काम करने का जो क्वालिफिकेशन है वो MBA होना है, समझना। तो देखिए, MBA कितने, HR में लोग कितने पहले वो निकालना होगा। तो देखिए, HR येलो वाला साइन है ये, और HR का जो वैल्यू दिया गया 24 दिया गया है, और मैंने आपको अभी बताया था मल्टीप्लाई विथ 5 कर दीजिए, तो HR का जो एम्प्लॉयज बेस आएगा वो आ जाएगा 120 का। इसके बाद MBA कितने हैं कंपनी में, तो MBA कितने ग्रीन साइन है, तो ग्रीन कितना है 22% है, तो ये 22% ऑफ 1800 है, यानी 22 × 18 ये होता है 396। Got it? तो यानी MBA टोटल 396 है, उसमें से 120 जो है HR में काम कर रहे हैं। तो यानी ऐसे MBA जो HR में काम नहीं कर रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो वो कितने होंगे, तो 296 माइनस 120 यानी 276। तो ये कितना प्रतिशत है MBAs का, तो 396 का इंटू 100। Got it? 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से ये गया 24 दो बार, 36 तीन बार, 36 से ये गया 3 और ये 3, 33। Got it? तो 2300 upon 33, इसको सॉल्व करना होगा आपको। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको तकरीबन जो वैल्यू देता है ये देता है 69.69%। Got it? डिवाइड कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए, अगर ना समझ में आ रहा हो तो 2300 डिवाइडेड बाय 33 है। अब एक बात बताओ, 33 का जो 7 टाइम होता है वो होता है 231, मानते हो उस चीज़ को, तो ये होता है 231 और ये 230 है, तो यानी 70 से थोड़ा सा कम है ये, 70 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन कौन है, ये 69.7, सो दैट वुड बी माय आंसर। ओके,
अगला सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसी ग्राफ का. इफ 40% एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स आर बिलो 25 ईयर्स, यानी सेल्स में काम करने वाले 40% एम्प्लॉयज जो हैं 25 साल के बिलो हैं, नीचे हैं, एंड 24% ऑफ द एम्प्लॉयज इन सेल्स आर बिटवीन 26 to 40 ईयर्स. गॉट इट? फिर ये कहता है एंड रेस्ट आर अबव 40 ईयर्स. तो देखिए ध्यान से समझना, इसने क्या किया, ग्रुप को दो दो पार्ट में ले लिया. 25 से नीचे वाले कितने लोग हो गए जो सेल्स में काम कर रहे हैं, सिर्फ सेल्स का डेटा चाहिए. तो सबसे पहले सेल्स में कितने लोग काम करते हैं, तो देखिए 75 डिग्री है, तो मैंने बोला था इसको डेटा निकालने, तो 75 इंटू 5 ले लीजिए, तो इट वुड बी 375. गॉट इट? अब ये कहता है सेल्स में जो काम कर रहे हैं 18 से 25 साल वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 40% है, ठीक है, और ये 24% है 26 से 40 वाले, यानी इस तीन ग्रुप वाले. तो ये कितने हो गए 40%, और यहाँ कितने हो गए 24%. तो बचे कितने, तो बचे हुए जो हैं वो 40 से ज़्यादा वाले होंगे, तो ये बचता है 36%, क्योंकि 40 यानी बचेगा 60, 24 गया 36, तो इट वुड बी 36%. वॉट इट? क्लियर? सो मोर देन 40 ईयर्स वाले कितने लोग हो गए, 36% हो गए. आगे बढ़ते हैं. Employees working in sales are above 40 years, then what is the percentage of total employees? ध्यान से समझना, ये कह रहा है employees working in sales are above 40 years is what percent of the total employees who are above 40 years working in the company? ठीक है, तो देखिए सेल्स में काम करने वाले 40 years से ऊपर वाले लोग कितने, 36% है. तो ये किसका 36% है, 375 का. तो 375 का 36% कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना. देखिए ये नंबर 25 से जाता है, 25 से कितनी बार जाएगा, 15, और ये 4 से जाता है 9 बार, और ये 100 कैंसिल आउट, 25 इंटू 4 100 ही होता है लॉजिकल वे. तो 15 इंटू 9 135, यानी सेल में काम करने वाले वो लोग जो 40 साल के अबव हैं वो 135 हो गए. तो ये कहता है ये कितना प्रतिशत है ओवरऑल 40 ईयर के लोगों से, एम्प्लॉयज से. देखिए ओवरऑल 40 ईयर के एम्प्लॉय का काउंट कितना है, 10%, तो 1800 का 10% कितना होता है, 180. तो 135 अपॉन 180 इंटू 100. अब आप देखिए 45 से दोनों चले जाएंगे, ये 4 बार और ये 3 बार, 3/4. तो 3/4 बेसिकली कितना परसेंट होता है, 75%. सो योर आंसर इज 75%. गॉट इट? समझ में आ गया? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छे है. आपको इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और टाइम कंज्यूम करेंगे आपका, तो इसके लिए ग्राफ की समझ होनी बहुत ज़रूरी है. अगर ग्राफ समझ में आ गया तो फिर बनेगा, फिर नहीं रुकेगा. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. यस, आज सुबह मैंने ये लेक्चर लिया था, बट समहाउ थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीज़न हो गया था, इस वजह से नेट भी चला गया था एट द सेम टाइम, और मैं पोस्टपोन कर रहा था, बट फिर भी मुझे लेक्चर रोकना पड़ा. ये लेक्चर को मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था और इसके बीच में नेट चला गया था. अब ध्यान से सुनिएगा ये क्या है. ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग एकेडमिक्स इन एज ग्रुप ऑफ 36 to 40 ईयर्स. इस क्वेश्चन का मतलब समझना है. तो देखिए सबसे पहले इंजीनियरिंग और 36 टू 40 वाले बच्चे निकाल लेते हैं, लोग निकाल, एम्प्लॉयज निकाल लेते हैं, ठीक है ना. तो देखिए इंजीनियरिंग वाले कितने हैं एकेडमिक्स में, तो इंजीनियरिंग वाला ये नंबर है, यानी कौन सा, ये 23%. तो 23 इंटू 18 लेना होगा, तो 23 इंटू 18 हो जाएगा आपका 414. गॉट इट? इसके बाद 36 टू 40 वाले कितने होते हैं, तो ये वाला होगा 15%. तो 180 का 15% कितना होगा, 270. गॉट इट? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है. तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग एकेडमिक्स इन द एज ऑफ 36 to 40. देखिए जो मैक्सिमम परसेंटेज हो सकता है इंजीनियर का जो 36 से 40 की एज में होंगे वो कितने हो सकते हैं, 270 ही हो सकते हैं. भाई 414 इंजीनियर हैं, 414 इंजीनियर्स हैं टोटल जो कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपके पास जो 36 टू 40 ईयर वाले हैं वो 270 है. तो आपको पता है क्या देखना है कि 270 414 का कितना परसेंट है, 270 414 का कितना परसेंट है, पहले ये निकाल लीजिए, क्योंकि यही मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर हो ही नहीं सकता परसेंटेज. तो ध्यान से समझना, इसको 18 से डिवाइड कर देते, दोनों 18 से जाएंगे, 18 से ये गया 9 बार, ये गया 23, 23 से सॉल्व करेंगे तो ये 150 है. तो देखिए 1500 डिवाइडेड बाई 23, 23 सिक्सा होता है 138, ठीक है, बचाएगा 12, 120, तो 25 होता है 65, बचेगा 5, तो 2, तो 65.2% के करीब जाएगा.
गॉट इट? तो यानी उसके नीचे वाले लोग हो सकते हैं लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते आप. गॉट इट? यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 65.2%. तो जितने भी ऑप्शन 65.2 के ऊपर के हैं वो हटा दो. जैसे ये है 66, जैसे ये है 72, तो ये दोनों नहीं हो सकते. तो एक ही ऑप्शन है ओनली 3 और 4, बाकी सारा कुछ हो सकता है. इसे पूछा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता, वो परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग एकेडमिक्स हु आर द एज ऑफ 36 टू. देखिए पॉसिबिलिटी मैक्सिमम लेके चले कि सारे 36 टू 40 इंजीनियर्स होते सपोज, क्लियर? तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर जा ही नहीं सकते आप. और 36 टू 40 वाले कितने लोग हैं? 270. और 270 जो है 414 का कितना प्रतिशत है? तो 65.2 है. तो आप इसके ऊपर जा ही नहीं सकते हो. तो इसके ऊपर जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा वो मेरा आंसर में नहीं आएगा. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. तो 66% नहीं हो सकता, 72% नहीं हो सकता. गॉट इट? इसके नीचे जो भी आएंगे ये हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल. ये भी पॉसिबल है, ये भी, ये और ये भी. तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है. गॉट इट? तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, ओनली 3 और 4. गॉट इट? क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन पता है क्या करते हैं, समय बहुत ले लेते हैं पढ़ने में. 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या कहना चाह रहा है. बस एग्जामिनर का वही काम है. क्वेश्चन सिंपल था, बस पढ़ने में कोई थोड़ी सी भी गलती हो और वो आपका इसमें फायदा उठा लेगा. ठीक है? अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिकल डी आई. यही टाइप ऑफ डी आई लॉजिकल डी आई कहलाते हैं. ये इतना लेंदी नहीं है जितना दिख रहा है. ठीक है? जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ईजी टू सॉल्व. ठीक है ना? यही प्रोसेस रहता है मीन्स लेवल का. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इजी टू सॉल्व. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये कह रहा है इफ 16.67% ऑफ बीएससी ग्रेजुएट्स वर्किंग इन मार्केटिंग. बीएससी ग्रेजुएट्स को बांट रहा है. ठीक है ना? 16.67, 25% ऑफ बीएससी एंड ऑल ले लें इसको, अलग अलग लेना शुरू करते हैं. लेना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. 16.67 बीएससी ग्रेजुएट, पहले बीएससी ग्रेजुएट कितने वो देखने होंगे. तो बीएससी कितने हैं ये रेड वाला, यानी 12%. देखिए 1800 का 12% कितना होगा, 216. गॉट इट? 1800 का 12% कितना होगा, 216 होगा. इसका 1/6 कितना होगा, 16.67 कितना होता है, 1/6, 36. गॉट इट? आगे बढ़ता हूँ. उसके बाद ये कहता है 25% ऑफ बीएससी ग्रेजुएट वर्किंग इन प्रोडक्शन. तो बीएससी में से 25% जो है, तो 216 का 25% 1/4 कितना होगा, 54. गॉट इट? एंड कह रहा है रेस्ट आर वर्किंग इन सेल, और उसके बाद जो भी है वो सेल्स में काम करेंगे. कितने बच गए? देखिए 36 और 54 ये मिला के कितना हो गया, 90. तो बचे कितने, 126. गॉट इट? बचे कितने, 126. कॉमन सेंस. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. फिर ये कह रहे हैं ऑल एम्प्लॉयज विद द एज ग्रुप ऑफ 26 to 35 आर वर्किंग इन प्रोडक्शन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द रेशियो 4-3-2-1-5-3. तो 6 डिपार्टमेंट में काम करते हैं 26 से लेके 35 वाले लोग. तो 26 से 35 यानी ये दो सेक्शंस को इंक्लूड कर रहा है. ये सारी चीजें देखनी है. तो यानी 20 और 45%. गॉट इट? 20 और 45%. तो यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 45 × 18 होगा. मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, उसका पर्पज समझाता हूं. ये देखिए इनका रेशियो कितना है. देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18. तो यानी इनका सम भी 18 ही आ रहा है. तो 18 से 18 कैंसिल, यानी इनका कॉमन फैक्टर विल बी 45. यानी अगर हम सबको 45 टाइम्स कर दें तो हर नंबर मिल जाएगा आपको. 26 से 35 वाले जो लोग हैं उनका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा. आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. तो ये कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन प्रोडक्शन फ्रॉम बीएससी एकेडमिक्स एंड देयर एज आर बिटवीन 31 to 40 ईयर्स एज कंपेयर टू टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब ये देखो ट्रिकी लाइन फिर से डाल दी है, आराम से पढ़ते हैं. तो ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन प्रोडक्शन फ्रॉम बीएससी. तो प्रोडक्शन में बीएससी से कितने लोग काम कर रहे थे, ये रहा, ये निकाला था आपने. कितने लोग थे, 54 थे. करेक्ट हुआ, 54 थे. ये बात समझ में आ गई. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. एंड देयर एजेस आर बिटवीन 31 to 40 इयर्स, और उनका एज भी जो है 31 से 40 होना चाहिए. अब एक बात बताइए 31 से 40 वाले लोग कितने, 31 से 40 वाले लोग कितने, ये नंबर निकाल ले. तो 31 से 40 कितने, ध्यान से समझना ये जो बात कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है. ओके, आराम से समझ लीजिएगा.
तो ये कितने लोग हैं, 31 से 40 वाले लोग कितने हैं, तो ये कितना एज आ जाता है, 31 एंड 40, यानी ये दोनों ग्रुप्स, तो ये 15 और 20 हो गया, गॉट इट, तो ये कितना हो गया, 15 और 20 हो गया, तो 15 और 20 मिला के 35, तो 18 × 35 हो जाएगा, गॉट इट, क्लियर, 18 + 18 × 35, तो ये नंबर कितना होगा, तो 18 × 5 = 9, 18 × 54 = 9 = 630, गॉट इट, तो ये नंबर निकल के आया 630 दोनों मिला के। अब ये कह रहा है मैक्सिमम लोग कितने आने चाहिए, ठीक है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर एज आर बिटवीन 31 to 40 होने के क्या चांसेस हैं, गॉट इट, क्लियर है। अब आराम से इस चीज को सॉल्व करेंगे, देखिए ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी, तो देखिए मैक्सिमम प्रोडक्शन में काम करने वाले लोग हैं कितने, मतलब जो बीएससी हैं वो 54 ही होंगे, ओके, हम ये मान सकते हैं कि ऑल 54 इसके अंदर हो, तो इसके ऊपर तो नंबर जा भी नहीं सकता ना, 54 के ऊपर तो आपका नंबर जा भी नहीं सकता ना दोस्तों, बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ, गॉट इट, यानी ये जो मैक्सिमम नंबर होगा 54 ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में काम करने वाले ऐसे लोग जो बीएससी हैं, ओके, और उनका एज 31 से 40 के बीच में होना चाहिए, ये सिर्फ घुमाने के लिए लाइनें दी गई हैं, इनका कोई रोल नहीं था दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए दिया था, तो आपको प्रोडक्शन में बीएससी में कितने लोग हैं, 54 लोग हैं, और मैक्सिमम यही काउंट हो सकता है। अब ये बदलता कब था, जब ये 31 to 40 वाले लोग कम हो जाते थे, ये कम हो जाते थे, तो ये नंबर बदल सकता था, गॉट इट, क्योंकि अगर ना देखिए प्रोडक्शन में यहाँ पे भी 4 से 45 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 180 बनाएगा, तो 180 लोग तो यहीं आ गए, तो मैक्सिमम लोग 54 ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन वाले जो बीएससी में काम कर रहे हैं वो 54 ही है, तो मैक्सिमम नंबर ओनली कैन बी 54। कंपेयर किससे करना है, टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 48 × 5, याद है, तो ये 240 × 100, सॉल्व इट, 0 से 0 6 से जाएगा 9 बार, 6 से गया 4, तो 90/4, 90/4 होता है 22.5%, गॉट इट, 22.5% इज माई आंसर, ओके, क्लियर, एकदम कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लैंग्वेज ऐसे बना दिया, इंफॉर्मेशन इतनी दे दी, इस स्टेटमेंट का कहीं से लेके कहीं तक कोई रोल ही नहीं था, ये सिर्फ अननेसेसरी इसलिए दिया गया आप अपना समय लगाए, गॉट इट, क्लियर, आई बात समझ में, इसने वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन प्रोडक्शन फ्रॉम बीएससी एकेडमिक्स। देखिए बीएससी एकेडमिक्स में जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं वो फिक्स है 25% ऑफ बीएससी, तो 25% ऑफ बीएससी, बीएससी में काम करने वाले लोग कितने थे, 216 का 25% 54, तो दैट इज मैक्सिमम नंबर दैट कैन वर्क, और उनका एज 31 से 40 के बीच में होना चाहिए, तो 31 से लेके 40 के बीच में 630 लोग आते हैं, तो हम मैक्सिमम परसेंटेज की जब बात कर रहे हैं तो यानी सारे लोग इसमें इंक्लूड हो सकते हैं भाई, ये ऑल 54 कैन बी बिटवीन 630 इसमें ना आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, गॉट इट, ये क्लियर रहा क्या कंसेप्ट, जल्दी से पहले मुझे ये बता दीजिएगा, क्लियर हो गया है, आगे बढ़ूं, तो बस इसने यही कहा कि मैक्सिमम लोग 54 हो सकते थे, तो बस ये ले लिया मैक्सिमम लोग 54 है, बता दिया, तो 240 अकाउंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉय, तो अकाउंट में काम करने वाले एम्प्लॉय 240 है × 100, गॉट इट, क्लियर, तो दिस इज मैक्सिमम परसेंट, यानी नन ऑफ दीज 22.5%, आगे बढ़ता हूं, अगला ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, ये कह रहा है इफ 20% ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम प्रोडक्शन एंड 25% फ्रॉम एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स एंड 30% एम्प्लॉयज फ्रॉम एचआर एंड 2/5 फ्रॉम सेल्स आर अप्लाइड फॉर प्रमोशंस इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये जो सेक्शन वाइज डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में कितने दोस्तों, तो 98 × 5 होंगे, और इसका 20% बोल रहा है, यानी 1/5, यानी कितने लोग, 98 लोग, प्लस 25% ऑफ द एम्प्लॉय इन अकाउंट्स, अकाउंट में कितना है, 48 × 5 है, और उसका 25% यानी 1/4 लेना है, तो 12 × 5 यानी 60, प्लस 30% ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर, 30% ऑफ एचआर, एचआर कितना है, 24, तो 24 × 5, और उसका 30% यानी 3/10, गॉट इट, तो सॉल्व करिएगा, जैसे 5 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 12, 12 थी 36, सो इट वुड बी 36 प्लस, गॉट इट, 2/5 फ्रॉम सेल्स, 2/5 फ्रॉम सेल्स, सेल्स में कितने हैं,
375 ये हम पहले ही देख चुके थे, 375 का 2/5 कितना होगा, 2/5, तो 5 से ये गया 75 इंटू 2 यानी 150, गॉट इट। तो इन सबको ऐड कर देता हूँ, ये कितना आएगा 90 और 150 और 60 210 और 98 यानी 100 भी अगर हम ले लें तो 308 और 36 344 गॉट इट। ये पार्ट क्लियर हो गया, इन सबको हमने ऐड कर दिया बस, गॉट इट। तो ये आ गया 344। तो ये वो एम्प्लॉयज है जिन्होंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था। तो ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु अप्लाइड फॉर प्रमोशन टू हु डिड नॉट अप्लाई फॉर द प्रमोशन। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो देखिए टोटल लोग कितने थे, 1500-1800 थे, उसमें से 344 ने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया, तो कितनों ने नहीं किया, बचे हुए लोग 56, 1456, सो डिवाइडेड बाय 1456 इनटू 100, गॉट इट। सॉल्व करके देखते हैं, ये दोनों नंबर 8 से जा रहे हैं, यस 8 से ये चला जाएगा 4 बार, ये गया 3 बार, 8 से ये चला जाएगा 14, 1 बचेगा 6, 65, ये गया 8 और 2, 182, फिर एक बार 2 से चला गया 91 और ये 2 से गया 50, तो ये नंबर आएगा कुछ आपके पास 2150 डिवाइडेड बाय 91। देखिए दोस्तों 91 से ये क्लियरली दो बार जाएगा 182, बचा कितना, तो 15 और 18 33, तो 330, तो ये इससे तकरीबन तीन बार चला जाएगा, तकरीबन तीन बार, तो 23 के नज़दीक एक ही ऑप्शन है, 23.62%, गॉट इट। क्लियर है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, अलग लेवल का क्वेश्चन था और एकदम मेंस लेवल के ऊपर बैठता है। ऐसा भी नहीं था कि बहुत कैलकुलेटिव है, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम आसान से बन जाएगा और पढ़ना पड़ेगा, और एक बार क्लिक हो गया क्या बात करना चाह रहा है फिर आप इसको बनाते चले जाओगे, बट टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट अबाउट इट। तो मेंस में यही लेवल रहता है, ओके दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, जो लेक्चर हम ले रहे हैं आप लोग इनमें अच्छा करिए, ओके। अगर आपको इन सब के PDF चाहिए तो आप मेरे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्वांट बाय लोकेश शर्मा, ठीक है ना, क्वांट बाय लोकेश शर्मा, दिस इज माय YouTube चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो दिस, ओके। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, तकरीबन 33% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के जरूर जा रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स वीडियो व्यू दे रहे हैं हमें, तकरीबन 33-34%। तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंसिस्टेंसी लग रही है हमारे वीडियोज़ में, और अगर लग रहा है कि हाँ यार ये लेवल एकदम करेक्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, डेफिनेटली आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो फॉलो कीजिएगा हमें। 33% अभी तक ये काउंट है, इसको बढ़ाइए, इसको मतलब कम करना है हमें, हमें सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए दोस्तों, तो चाहिए कि ज़्यादा व्यू सब्सक्राइबर लोगों से है, तो ऑटोमेटिकली हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और आपको भी एक अच्छा कंटेंट और देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरा नया बैच कंप्लीट DI बैच आने जा रहा है अनअकैडमी प्लस पे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, 17 जून से ये बैच स्टार्ट होगा, ओके। इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये मेरा कोड है लोकेश, इसको अप्लाई करिए, यू विल गेट 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ओके क्लियर। तो आई होप इतने आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर जुड़िएगा हमारे साथ बढ़िया से, और कल फिर हम मिलेंगे और बेहतरीन DI हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी ऑफ।